और अब बात करेंगे शिव स्मारक समिति के अध्यक्ष विनायक मेटे की जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इस पद पर उनकी नियुक्ति साल 2015 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी आपको बता दें कि अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था वहीं इस्तीफा देने के बाद विनायक मेटे ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई शिव स्मारक का, का काम उद्धव ठाकरे के विचारों के अनुसार होना चाहिए ऐसे में उन्होंने समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ ही विनायक मेटे ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में स्मारक का काम जल्द से जल्द पूरा होगा उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में उनकी जरूरत पड़ेगी तो वे सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अरब सागर में तकरीबन 35 करोड़ रुपए खर्च कर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा बनाने की योजना चल रही है और योजना के मुताबिक इस प्रतिमा की ऊंचाई एक मीटर और चबूतरे की ऊंचाई अट्ठासी दशमलव आठ मीटर के आसपास होगी प्रतिमा की ऊंचाई एक सौ तिरपन मीटर तक बढ़ाने पर सरकार फिलहाल विचार कर रही है ठाकरे सरकार आने के बाद शिव स्मारक निर्माण में गड़बड़ी के भी आरोप लगे